नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनोद शर्मा, ब्रेनीवुड ब्रेन साइंस से को फाउंडर और ट्रेनिंग हेड और साथ ही साथ प्रोफेसर ब्रेनीवुड ब्रेन साइंस। चलिए अब एक दिमाग की जर्नी को शुरू करते हैं और अब सीखते हैं कुछ ऐसे मेथड जिनको आप फील कर पाएंगे कि यस, मेमोरी को ट्रेन भी किया जा सकता है और तेज भी। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मेमोरी कैसे बढ़ सकती है, मेमोरी तेज कैसे हो सकती है, दिमाग की ताकत बढ़ाई जा सकती है क्या? तो उसका एग्जाम्पल देता हूँ। कुदरत ने हमें इस तरह से बनाया है कि अगर हम किसी भी काम में लग जाएं, उस पर एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपीरियंस करें, एक्सरसाइज करें, उस फील्ड में काम करें, तो उसकी जो कैपेसिटी है, उसके जो रिजल्ट है वो बढ़ते हैं। आपकी बॉडी है, अगर आप रोज एक्सरसाइज करेंगे और 6 महीने तक करेंगे तो जैसे अभी हैं उससे बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? 100% बदलेंगे। तो जिस तरह से बॉडी की एक्सरसाइज करके आपके मसल्स मजबूत किए जा सकते हैं, स्टैमिना बढ़ाया जा सकता है, उसी तरह से दिमाग की एक्सरसाइज करके, दिमाग के टेक्निक्स को यूज़ करके न्यूरोप्लास्टिसिटी, मेमोरी और ब्रेन पावर को बढ़ाया जा सकता है। एक और बात सिंपल से समझिए फ्रेंड्स, तो टेक्निक का इस्तेमाल आपकी ब्रेन पावर को और ब्रेन से होने वाले रिजल्ट्स को कैसे बढ़ा सकता है? टेक्निक का मतलब यही होता है कि ऐसा सपोर्ट जो आपके उस पर्टिकुलर फंक्शन या काम को बेस्ट में कन्वर्ट करता है। दुनिया में हर चीज़ को यूज़ करने का, इस्तेमाल करने का एक बेस्ट टेक्निक है। जैसे नेल कटर से लेकर के रॉकेट तक, उन्हें इस्तेमाल करने का एक बेस्ट टेक्निक है जिससे वो अच्छा फंक्शन करेंगे। अगर उस टेक्निक को आगे पीछे किया जाएगा तो वही अच्छा फंक्शन नहीं कर पाएंगे। आप गाड़ी भी खरीद के लाते हैं तो उसकी यूज़र मैनुअल में उस गाड़ी के माइलेज और मेंटेनेंस से जुड़ी हुई बेस्ट टेक्निक्स लिखी होती है कि RPM कितना होना चाहिए, टायर में हवा कितनी होनी चाहिए, कौन से गियर पे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है। इसी तरह से लाइफ में हर काम के लिए एक बेस्ट टेक्निक होता है। बचपन से बड़े होने तक हमने हर काम जो हम आसानी से कर पाते हैं उनके टेक्निक सीखे। बटन लगाने से लेकर खाना खाने तक हमने हर चीज़ का टेक्निक सीखा। इसी तरह से दुनिया की हर मशीन को यूज़ करना एक टेक्निक है। अगर आपके पास एक लैपटॉप है पर उसे आपको यूज़ करना नहीं आता तो उसके प्रोसेसर और हार्ड डिस्क का कोई मतलब नहीं रह जाता, लेकिन उसे जिसको अच्छा यूज़ करना आता है वो उसी लैपटॉप से बहुत बड़े बड़े कारनामे कर सकता है। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर चीज़ को इस्तेमाल करने का टेक्निक इंपॉर्टेंट हो जाता है। दुनिया की सारी मशीनें इंसान के काम को आसान बनाने के लिए बनी हैं, और दुनिया की सारी मशीनों को कौन सी मशीन ने बनाया है? इस मशीन ने, दिमाग ने। तो अगर दिमाग को तेज़ करने के, दिमाग को तैयार रखने के, दिमाग के फंक्शंस अच्छा करने के टेक्निक सीख लिए जाएं और उन्हें इस्तेमाल करें तो आपका IQ भी बढ़ेगा, मल्टीपल क्वोशेंट भी बढ़ेंगी, दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी अच्छी होगी, दिमाग के रिजल्ट्स, दिमाग से होने वाले काम के परिणाम बहुत ही अनुरूप और मनपसंद हो जाएंगे और आप कम समय में ज़्यादा रिजल्ट निकाल पाएंगे, साथ ही साथ सफलता के बड़े रास्ते खुल जाएंगे। तो यही है बड़ा दिमाग, बड़ी मेमोरी। तो चलिए कुछ टेक्निक हम सीखते हैं। आज का हमारा टेक्निक, पहला टेक्निक है PIS। इसका मतलब ये होता है कि हम जब किसी वर्ड्स को सुनते हैं तो क्या हम उसके अगेंस्ट कोई पिक्चर बना पाते हैं। PIS की फुल फॉर्म है पर्सनलाइज्ड इमेज सिस्टम। ये खास तौर पर तब काम आता है जब किसी चीज़ को आप याद करना चाहते हैं पर वो आपको याद नहीं हो रहा, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन में ही कोई ऐसे फैक्टर हैं जिसको दिमाग याद रखने के लिए या तो बार बार दोहराता है या उसको देखकर बोर हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि वर्ड मीनिंग्स हैं। कई लोग अपनी इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हैं, कई लोग अच्छे वर्ड्स बोलना चाहते हैं तो वर्ड मीनिंग याद नहीं रख पाते। टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर लोग पढ़ते हैं और उनमें अच्छे अच्छे वर्ड्स देखते हैं कि चलो अगली बार से इसको यूज़ करेंगे हम जब हम कॉन्वर्सेशन करेंगे, लेकिन टाइम पर वो याद ही नहीं आते। आइए समझते हैं ऐसा कौन सा मेथड है जो इस तरह से आपकी मदद कर सकता है। PIS का मतलब होता है पर्सनलाइज्ड इमेज सिस्टम। दुनिया के हर वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल या ग्लोबल मीनिंग और दूसरा होता है पर्सनलाइज्ड मीनिंग। क्या होता है यूनिवर्सल मीनिंग? जैसे एक वर्ड मैं बोलता हूँ फूड, अब फूड का डिक्शनरी मीनिंग या यूनिवर्सल मीनिंग सभी दुनिया के लिए कॉमन है। अगर मैं कहता हूँ फूड तो आपके ब्रेन में क्या आता है? खाने का सामान, फूड जिसे खाया जाता है। ये लॉजिकल ब्रेन में आया है आपके, यानी लेफ्ट ब्रेन में। मैंने कहा था ना लेफ्ट ब्रेन मीनिंग या लॉजिक पे चलता है, लेकिन राइट ब्रेन ने इसी वक्त फूड के अगेंस्ट कोई ना कोई पिक्चर भी बनाया होगा। जैसे मैं कहता हूँ फूड तो बताइए क्या ब्रेन में पिक्चर आ रहा है अभी आपके? जैसे कि किसी के आ रहा है पिज्ज़ा, तो किसी के आ रहा है पूरा खाना थाली, तो किसी के आ रहे हैं दाल चावल या कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया कि यूनिवर्सल, ग्लोबल या डिक्शनरी मीनिंग सबका कॉमन है, यानी लेफ्ट ब्रेन का फंक्शन सबका कॉमन है, लेकिन राइट ब्रेन की क्रिएटिविटी और क्रिएटिव इमेज अलग अलग हो सकती है और यही होती है पर्सनलाइज्ड। और इसी को इस्तेमाल जब हम करते हैं अपनी लाइफ में, पढ़ाई में या ज़िंदगी में कभी भी कुछ याद करने के लिए तो ये बेहतरीन काम करती है, क्योंकि यहाँ पर आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों एक साथ काम करते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक वर्ड बोलता हूँ बिग, BIG बिग।
अब जैसे ही मैंने कहा बिग, बिग का मतलब क्या होता है, ये लॉजिकल ब्रेन बताएगा आपका, तो आप सबका आंसर है बड़ा, बिग। तो ये सबका कॉमन है, पूरी दुनिया में किसी से भी पूछो। लेकिन जब मैं कहता हूँ बिग के अगेंस्ट ब्रेन में पिक्चर क्या आया, तो देखिए सबके अलग अलग आ सकता है। देखिए किसी के आ रहा होगा बड़ा समुद्र, तो किसी के आ रहा होगा बिग बी अमिताभ बच्चन, तो किसी के आ रहा होगा बड़ा पहाड़, तो किसी के कोई बहुत बड़ी बॉल। यानी कि सबका जो राइट ब्रेन का जो फंक्शन है वो अलग अलग होता है और वही पर्सनलाइज्ड होता है। अनफॉर्चुनेटली लाइफ में और पढ़ाई में या जिंदगी में बड़े हिस्सों पर दुनिया में अधिकतर लोग इसको सीधा इस्तेमाल करना नहीं जानते। चलिए मैं इसका एक यूज़ दिखाता हूँ आपको। पर्सनलाइज्ड इमेज सिस्टम की पहली शर्त होती है कि जब कोई वर्ड आपके सामने आता है, उस वर्ड का कोई पिक्चर आपके ब्रेन में नहीं आ रहा है, तो आप एक आर्टिफिशियल पिक्चर बना सकते हैं उस वर्ड से मिलते जुलते किसी और वर्ड का डायरेक्ट पिक्चर यूज़ करके। हमारे ब्रेन में बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे वेस्ट थॉट्स, बहुत सारी पुरानी मेमोरीज, कभी कोई कार्टून, कभी कोई मूवी, कभी कहीं गए थे, ऐसा एक बहुत बड़ा खजाना पड़ा है जो रेगुलर यूज़ नहीं होता, उसे हम वेस्ट थॉट्स या वेस्ट मेमोरीज मानते हैं। लेकिन ब्रेन साइंस उसको रिसाइकल कर देती है और काम में लायक बनाती है। जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट होता है, ये वेस्ट मेमोरी मैनेजमेंट होता है, जिसमें हम एक वर्ड जो रियल वर्ड है वो अगर डिफिकल्ट है, वो याद नहीं हो रहा है, तो हम उससे मिलता जुलता एक वर्ड लेते हैं जिसका पहले से पिक्चर है और उसको आपस में एसोसिएट करते हैं। ये दो प्रिंसिपल में चलता है, इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन। आइए एक बार करके देखते हैं इसको फटाफट से कुछ वर्ड्स के ऊपर। तो चलिए इस टेक्निक का इस्तेमाल प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, पहले इन वर्ड्स पर नजर डालते हैं। देखिए बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि एंकराइट जिसका मतलब होता है सेंट या साधु, एक वर्ड लिखा हुआ है एक्मे जिसका मतलब होता है पीक ऑफ माउंटेन, एक और वर्ड है फेरेट जिसका मतलब होता है टू सर्च फॉर समथिंग या कुछ ढूंढना, एक वर्ड है कैरापेस जिसका मतलब होता है शेल ऑफ टॉर्टोइस या कछुए की पीठ का हिस्सा, एक वर्ड है गिगल जिसका मतलब होता है खिलखिला के हंसना, अजीब से टू लाफ सडनली, और एक वर्ड और लिखा है कोकेफोनी जिसका मतलब होता है हार्श या कर्कश आवाज, एक वर्ड और लिखा है दैट इज बर्जिन जिसका मतलब होता है किसी चीज को एनलार्ज करना या खींच कर बड़ा करना, एक वर्ड और लिखा है एक्रीमोनियस जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड बिहेवियर, एक वर्ड है कुलिनरी जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू कुकिंग, एक और वर्ड देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अरैक जिसका मतलब होता है अल्कोहलिक ड्रिंक या पुरानी शराब, और एक वर्ड है एम्बस्केड जिसका मतलब होता है अचानक से अटैक करना, टू अटैक सडनली। तो अब देखिए बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर आपने देखे। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन वर्ड मीनिंग को कैसे याद करें। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और मैं अचानक आपसे पूछता हूँ बताइए अरैक का मतलब क्या था, क्या आया ब्रेन में, अचानक ब्रेन कहीं और चला गया, एकदम से मीनिंग ध्यान नहीं आ रहा, एक मीनिंग ध्यान आ भी गया तो दूसरा पूछ लेता हूँ बताइए कैरापेस का मतलब क्या था, या फिर मैं पूछता हूँ बताइए एक्सट्रीमली बैड बिहेवियर के लिए कौन सा वर्ड लिखा हुआ था, तो देखो अटक गए ना। तो ये होता रहता है जब आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, द हिंदू पढ़ते हैं, कोई डिक्शनरी का वर्ड देखते हैं, वर्ड मीनिंग समझ भी लेते हैं, कुछ हद तक याद भी कर लेते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो टाइम पर याद नहीं आता। हमारा मन करता है हमारी अच्छी वोकैबुलरी हो, वोकैबुलरी रिच हो जाए, हमारी वर्ड पावर बढ़े। जब आप किसी गवर्नमेंट का एग्जाम देते हैं तो सिनोनिम एंटोनिम और वर्ड मीनिंग कॉम्प्रिहेंशन सब में जरूरत पड़ती रहती है और हम वापस भूल जाते हैं, क्योंकि ये अथाह सागर है। पूरी की पूरी डिक्शनरी कैसे याद करें, क्या डिक्शनरी याद हो सकती है? एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, आपके घर में डिक्शनरी है? आप बोलेंगे यस। आपको याद है? आप बोलेंगे नो। तो याद क्यों नहीं है? क्योंकि रीजन है, डिक्शनरी याद कैसे हो, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या कोई से भी डिक्शनरी हम उठा लें। पर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे कई लोग इस दुनिया में जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है पूरी डिक्शनरी याद करने का। पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए जो मेथड उन्होंने यूज़ किया वो यही मेथड है, पर्सनलाइज्ड इमेज सिस्टम, या अपना खुद का एक वर्ड मीनिंग का इमेज भी तैयार करना। तो चलिए इसको नए तरीके से देखते हैं। एक बार ये सारे वर्ड मीनिंग मैंने यहाँ से हटा दिए और अब आपके सामने एक पिक्चर लेकर के आता हूँ। अभी पिक्चर ध्यान से देखिएगा, इस पिक्चर के अंदर क्या है, आप अपना दिमाग आपका अपने आप ही समझ जाएगा, क्योंकि ब्रेन इंसान का ऐसा ही होता है, पैटर्न बना लेता है, फटाफट सीख जाता है। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर बना हुआ है, इस पिक्चर पर ध्यान से देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर कोने में एक साधु दिखाई दे रहा है, एक सेंट, जिसके हाथ में एक एंकर है ना, नजर आ रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पर एक माउंटेन, एक पहाड़ की चोटी है जिसके ऊपर लैक्मे की नेल पॉलिश रखी हुई है, राइट। अब देखिए यहाँ पर एक पैरट बैठा हुआ है जो कुछ ढूंढ रहा है, पैरट एक बिल्डिंग पर बैठा हुआ है जो कुछ ढूंढ रहा है, कह रहा है आई एम सर्चिंग फॉर समथिंग। अब देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर एक कछुए को का कछुआ है जिसकी पीठ के ऊपर एक कार प्लेस करी हुई है, दिखाई दे रहा है आपको, बड़ा सा कछुआ जिसकी पीठ पर कार प्लेस करी हुई, कार को लेकर जा रहा है अपनी पीठ पर। एक और देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर एक बच्चा है जिसने गॉगल्स पहन रखे हैं और हंसे जा रहा है, गॉगल पहनता हंसने लग जाता है। अब देखिए यहाँ पर आगे देखिए यहाँ पर एक
फ़ोन है, आपका स्मार्टफोन एप्पल का फ़ोन, उसके ऊपर अचानक से कोका कोला गिर रही है, कोका कोला की बॉटल, और पूरी उसकी वजह से उसके फ़ोन की आवाज़ ख़राब हो रही है। जब भी डायल कर रहे कर्कश और बहुत ही तीखी हार्श साउंड आ रही है, राइट, क्योंकि कोका कोला उसमें चली गई है। अब देखिए यहाँ पर एक बच्चा है जिसके हाथ में एक बर्गर है जिसे वो खींच कर लंबा कर रहा है ताकि वो बर्गर बड़ा हो जाए तो ज़्यादा अच्छे से उसको खा सके। अब देखिए यहाँ पर एक आदमी और बैठा हुआ है पीछे जो बड़ा गुस्सा कर रहा है क्योंकि उसने ऑर्डर दिया कि भाई मुझे कुछ खाना खाना है, तो उसके खाने की प्लेट में पहले क्रीम रखी गई और उसके अंदर ऑनियन डाल दिए गए, राइट। तो उसने बोला भैया मुझे क्रीम और ऑनियन नहीं खाने, मुझे क्रीम और ऑनियन के चिप्स खाने हैं, तो चिप्स का पैकेट भी खाली निकला। तो उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, वो सारी प्लेट को और सारे पैकेट को तोड़ फोड़ रहा है, फेंक रहा है। अब देखिए पीछे की तरफ एक काली नारी है जो खाना बना रही है सबके लिए, और उसके जस्ट पास में एक रैक है जिसके ऊपर एक शराब की बॉटल रखी हुई है। और अब देखिए यहाँ पर साइड में एक बस है, उसने अचानक ब्रेक मारा क्योंकि सामने से एक बहुत बड़ी बिल्ली ने बस पर अटैक कर दिया, एक बस पर अचानक से अटैक कर दिया। अब इन पिक्चर को हम हटा देते हैं, लेकिन अगर मैं पूछता हूँ कि पिक्चर का रिटेंशन कैसा है, देखते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आपको अचानक याद आएगा। बताइए काली नारी क्या कर रही थी? देखो आपके ब्रेन ने एकदम से बोला खाना बना रही थी। बताइए रैक में क्या रखा हुआ था? देखो आपने एकदम से बोला शराब की बॉटल रखी हुई थी। चलिए बताइए एक बच्चा बहुत तेज गुस्सा क्यों कर रहा था, वो बहुत जोर से गुस्सा क्यों कर रहा था, क्या फेंक रहा था, क्यों कर रहा था? देखो आपके ब्रेन में आ गया हुआ क्रीम ऑनियन, राइट। अच्छा बताइए पहाड़ की चोटी पर क्या रखा हुआ था? मैं सिर्फ बोल रहा हूँ और आई एम डैम श्योर कि आपके ब्रेन में आ गया नेल पॉलिश लैक्मे कंपनी की। अच्छा बताइए कछुए की पीठ पर क्या था? देखो मुझे इतना सा बोलने की जरूरत थी और आपके ब्रेन में वो कार आपको दिखाई देने लगी है। बताइए साधु के हाथ में क्या था और आपको नज़र आ गया है एंकर। तो दोस्तों ये जो पावर है विजुअल पावर, जहाँ पर आपने एक इमेज को दूसरी इमेज से जोड़ा तो याद हो गई, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ा तो नहीं याद हो रहा था, एग्जैक्टली यही होता है ब्रेन साइंस। यानी वर्ड को पहले पिक्चर में कन्वर्ट किया, अब हमें सारे पिक्चर याद हैं, अब ये सारे पिक्चर वही हैं जो आपने उस वर्ड मीनिंग में देखे थे। अब ज़रा एक बार इस पिक्चर से उस वर्ड मीनिंग को डीकोड करते हैं। हमारा वर्ड था एंकराइट जिसका मतलब होता है साधु। एंकर। देखिए एंकराइट इंग्लिश का एक वर्ड है लेकिन ये डिफ़िकल्ट लग रहा है, ये अननोन वर्ड है, ब्रेन के पास पहले से नहीं है इसलिए ब्रेन को डिफ़िकल्टी हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने एंकराइट को दो तीन बार बोला, आपके ब्रेन ने कहा इससे मिलता जुलता एक वर्ड ब्रेन में रखा हुआ है एंकर, तो उसका पिक्चर भी है। तो ये जो वेस्ट वर्ड है जो कि एग्जैक्टली अभी इसका कोई लेना देना नहीं है इससे, लेकिन इसको यूज़ किया जा सकता है बिकॉज ऑफ दी मिलता जुलता वाली स्पेशलिटी हम रियल वर्ड को याद करने में। तो कैसे याद हुआ? एक साधु के हाथ में एंकर है तो एंकराइट का मतलब साधु, हो गया ना याद। चलिए एक वर्ड होता है इंग्लिश का एक्मे जिसका मतलब होता है पीक ऑफ माउंटेन, कैसे याद किया? एक्मे लैक्मे, पिक्चरफुल मेमोरी लैक्मे, यानी कि एक्मे से मिलता जुलता लैक्मे, और हमने वो लैक्मे की बॉटल को यूज़ किया इस आंसर को याद करने में। पहाड़ की चोटी पर रखी हुई है तो सिंपल मतलब लैक्मे का मतलब पहाड़ की चोटी पर रखी हुई बॉटल, और इससे मिलता जुलता एक्मे का मतलब पहाड़ की चोटी। अब देखिए एक और वर्ड है यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको पैरट। अब ब्रेन में पैरट का पिक्चर आया, पैरट का पिक्चर आते उसको जोड़ दो उसके मीनिंग से, बस यही होता है PIS, यही होता है टेक्निक। फैरट टू सर्च फॉर समथिंग, पैरट कुछ ढूंढ रहा था तो इससे याद आ जाएगा फैरट का मतलब कुछ ढूंढना। कारापैस का मतलब होता है कछुए की पीठ। तो अब देखिए कारापैस कार को प्लेस कर दिया, अब इसका जो असली मीनिंग है उसके साथ ही कर दो। कछुए की पीठ को कारापैस कहते हैं, तो कार को प्लेस कर दिया कछुए की पीठ पर। तो अब आपको याद रहा कारापैस का मतलब होता है कछुए की पीठ वाला हिस्सा। अब एक और वर्ड है गिगल, गिगल का मतलब होता है खिलखिला के हंसना, तो गिगल गॉगल। अब यहाँ पर हमने एक बच्चा देखा था जिसकी स्पेशलिटी थी उसे गॉगल लगा रखे थे और खिलखिला के हंस रहा था, तो याद रहेगा गिगल यानी खिलखिला के हंसना गॉगल वाले बच्चे से। ये पिक्चर का सपोर्ट ही एक अच्छा एसोसिएशन होता है और परमानेंट मेमोरी भी बनाता है। इसी के साथ साथ एक वर्ड था कोकेफोनी, कोके कोका कोला, फोनी फोन, कोका कोला गिर गई फोन पे, तो क्या हुआ था? बस यही आंसर है हार्श साउंड, तो कोकेफोनी का मतलब होता है हार्श साउंड, राइट। चलिए एक वर्ड था बर्जियन बर्गर, जैसे मैंने कहा बर्गर याद आया आपको, एनलार्ज करना, एग्जैक्टली बर्जियन का मीनिंग होता है टू एनलार्ज। इस टेक्निक से आप इसे याद कर सकते हैं क्योंकि इसमें आप एक मिलती जुलती वेस्ट मेमोरी उठा रहे हैं जो रियल मेमोरी का मिलता जुलता है, आर्टिफिशियल है लेकिन उसका रिटेंशन पहले से है, वो पहले से परमानेंट है आपके ब्रेन में, तो बस इसकी स्पेशलिटी को यूज़ करना है अपने को। इसी तरह से
एक वर्ड है एक्रीमोनियस, 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 अक्रीम ओनियन, एक्रीम ओनियस ओनियन, एक क्रीम ओनियन, क्रीम ओनियन, क्रीम ओनियन लाके रख दिया एक साथ, तो बच्चे को बहुत तेज गुस्सा आ गया था, याद आ गया आपको अच्छे से, दैट इज ग्रेट। अक्रीमोनियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड बिहेवियर, तेज गुस्सा करना। अब देखिए एक वर्ड और मैं बोलता हूँ, कुलिनरी, कुलिनरी मतलब खाना खाने की आर्ट, या खाना बनाने का तरीका, खाना बनाने की आर्ट। तो अब देखिए कुलिनरी, 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 कालिनारी, और कालिनारी क्या कर रही थी, खाना बना रही थी, तो बस यही इसका मीनिंग हो गया, कुलिनरी यानी रिलेटेड टू कुकिंग या आर्ट ऑफ कुकिंग। अब देखिए एक वर्ड है अरेक, उसका मतलब होता है पुरानी शराब। अब इस वर्ड को वापस बोलते अरेक, ए रैक, ए रैक, ए रैक बोलते रैक आ गया ब्रेन में, और रैक के ऊपर रख दिया था वही आंसर, तो शराब या अल्कोहलिक ड्रिंक इसका आंसर है। अब एक वर्ड था एम्बस्केड, 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 ए बस कैट, एक बस आ रही है, ए बस कैट, सामने से कैट आ रही है, कैट ने बस के ऊपर हमला किया, बहुत बड़ी कैट थी, अचानक हमला किया और बस को ब्रेक लगाने पड़े, तो ये जो अटैक सडनली, अटैक सडनली, इसी से याद रह जाएगा एम्बर्स कैट का मतलब होता है टू अटैक सडनली। और इस तरह से सारे वर्ड मीनिंग अब आपको याद रहेंगे। मान लीजिए मैं पिक्चर हटा देता हूँ और अब आपसे पूछता हूँ, बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियन, देखो आपके ब्रेन ने कहा बैड बिहेवियर, बस इट इज द वे बाय विच यू कैन हैव दीज वर्ड्स एज अ मीनिंग परमानेंट एंड एनरिच योर वोकैबुलरी ऑल्सो, दिस इज अ सीक्रेट बाय विच यू कैन एक्चुअली मेमोराइज द कंप्लीट डिक्शनरी इन सम टाइम इफ यू रियली मेक अ कन्विक्शन। अब देखिए एक और चीज़ मैं पूछता हूँ आपसे, बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्मे, एक्मे, लैक्मे, देखो याद आ गया आपको पहाड़ की चोटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंकराइट, 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 देखो याद आ गया आपको साधु। चलिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कारापेस, कारप्लेस, कारप्लेस कहाँ की थी, देखो आपको कछुआ दिख गया, नहीं कछुए की पीठ। तो बस ये कितना आसान है फ्रेंड्स, इसका रिवीजन कितना आसान है, कितना बहुत ही आसानी से याद हो सकता है। इस तरह को, इस टेक्निक को, इस तरीके को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं और बहुत कुछ करके दिखाएं। ये वर्ड मीनिंग के साथ साथ कहीं पर आपको कंट्री कैपिटल याद करना हो, या आपको इन्वेंशन, इन्वेंटर याद करने हैं, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और चार ऑप्शंस होते हैं एमसीक्यूज, उसमें क्वेश्चन वर्ड ले लिया, आंसर वर्ड ले लिया और इसी तरह से विजुअलाइज कर लिया, तो वो याद हो सकता है। तो ये बहुत ही पावरफुल मेथड है जो आपको ये सब चीज़ें याद करा सकता है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। आने वाले एपिसोड्स में मैं इस तरह के और मेथड आपको सिखाने वाला हूँ, अलग अलग लोकेशन या अलग अलग सिचुएशन के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग तरह के कॉन्टेंट के लिए। जुड़े रहिए, सीखते रहिए। मेमोरी ट्रेनिंग एंड माइंड ट्रेनिंग बाय ब्रेनीवुड, मैं हूँ प्रोफेसर विनोद शर्मा, को फाउंडर और ट्रेनिंग हेड ब्रेनीवुड से। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ब्रेनीवुड, इंडियाज बेस्ट इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म, डाउनलोड द ऐप नाउ।